देश में कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ वैक्सीन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सरकार ने पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को शामिल किया है। सूत्रों का कहना है कि वैक्सीन कार्यक्रम के दूसरे चरण में राजनेताओं को वैक्सीन दी जा सकती है। इस दौरान उन सांसद विधायकों को वैक्सीन दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री और बाकी नेता वैक्सीन लगवाएंगे। बता दें कि टीकाकरण की शुरुआत वाले दिन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वैक्सीन के दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टीका लगवाएंगे। इसके साथ ही जानकारी है कि देश के अन्य बड़े चेहरे भी जैसे गृह मंत्री अमित शाह, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी टीका लगवाएंगे। 50 साल से ऊपर से सभी सांसदों और विधायकों को भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। दूसरे चरण में सुरक्षा बलों के जवानों और 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। फिलहाल यह साफ नहीं है कि देश में दूसरा चरण कब से शुरू होगा। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि वैक्सीन प्रोग्राम अलग अलग चरणों में पूरा किया जाएगा। अनुमान है कि इस ड्राइव का दूसरा चरण अप्रैल से शुरू हो सकता है, जिसमें देश के 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को वैक्सीन दी जाएगी। इस चरण में प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा में 300 से ज़्यादा और राज्यसभा में तकरीबन 200 सांसद 50 की उम्र पार कर चुके हैं। देश में वैक्सीन प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही लोगों ने इसकी सत्यता पर सवाल उठाए थे। सूत्रों के अनुसार ऐसे में वैक्सीन को लेकर तैयार हुई नेशनल टास्क फोर्स ने भी इस बात को माना था कि 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए नेताओं का सहयोग जरूरी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर राजनेता वैक्सीन प्रोग्राम में शामिल होते हैं तो इससे लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर जारी संदेह दूर करने में मदद मिलेगी।